भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नौलखा को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डिफॉल्ट जमानत याचिका। कोर्ट ने कहा घर में नजरबंदी के दौरान बिताए गए 34 दिन डिफॉल्ट जमानत के लिए नहीं गिने जा सकते। मथुरा के हनुमान मंदिर में हुई लूटपाट, मंदिर पर रह रहे करीब 6 साधुओं को नशीली पदार्थ देकर किया बेहोश, जाते जाते मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खोलकर अपने ले गए साथ लुटेरे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासी घमासान चरम पर, मधेपुरा सिविल कोर्ट ने पप्पू यादव को भेजा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। मधेपुरा के एक 32 साल पुराने मामले में वारंट के बाद पुलिस ने किया था पूर्व सांसद को अरेस्ट। कोरोना के कारण दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाने के कारण मर रहे लोग, पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचे परिजन तो गायब थे डॉक्टर, परिसर में ही तड़प तड़प कर हुई मौत, शव वाहन न मिल पाने के कारण बाइक पर ही ले गए लाश। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में फिर हो रही भारी वृद्धि, राजस्थान में तो पेट्रोल के दाम 100 के पार, मात्र साल 2021 में ही इन 4 महीनों में 33वीं बार बढ़े दाम, प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होता है बदलाव। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मारपीट के दौरान पहलवान की हत्या मामले में फरार चल रहे ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान को लेकर गुड़गांव पुलिस ने जारी किया अलर्ट, फ्लैट पर कब्जे को लेकर हुआ विवाद। पश्चिम बंगाल के ट्रेड यूनियन के नेता ने बेटी के साथ हुए कुकृत्य का वीडियो पुलिस को सौंपा, योगेंद्र यादव से पूछताछ, इसके अलावा संबंधित युवती के सहयोगी वॉलंटियर्स कविता और योगिता को जारी किया गया नोटिस। बिहार के बक्सर के बाद अब यूपी के गाजीपुर में भी गंगा घाट पर महज 800 मीटर की दूरी में मिली 52 लाशें, गाजीपुर से सटे बलिया में भी गंगा किनारे मिली 12 से ज्यादा लाशें, 2 दिन में अब तक 110 लाशें हुए बरामद। एक दिन पहले ही बिहार में मिली थी 71 से ज्यादा लाशें, 2 दिन पहले की कानपुर में यमुना किनारे भी बरामद हुआ था शव, केंद्र ने दिया राज्य को जांच का निर्देश, डीएम ने बनाई जांच कमेटी। उत्तराखंड देवप्रयाग में बादल फटने से मची तबाही, मलबे के साथ बह गई इमारतें, मलबे में फटा इलाका, दर्जनों घर और दुकानें तबाह। निकाल गया इन्हें वाला रास्ता बड़ी नुमी आदमी बंडे।